नमस्कार, आप देख रहे हैं BSH न्यूज ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राहुल जगजीत एक नए न्यूज के साथ। अयोध्या में राम मंदिर बनाने हेतु जो राम कथा का आयोजन किया गया है 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, उसमें वीर सेना का अहम रोल है। आपको बता दें, ये राम कथा गोरेगांव प्रेम नगर के भाजी मार्केट के ग्राउंड में हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जो रुस्तम जी बिल्डिंग के नाम से विख्यात है। इसके सामने ही ये BMC का खेल मैदान है जिसमें ये रामकथा का आयोजन किया गया है। उस रामकथा के आयोजन में, जबकि आपको बता दूं, ये जो निरंजन पाल जी हैं वीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके दिन रात के मेहनत से ये आयोजन हुआ है और हो रहा है। इनके ही बहुत ही अथक प्रयास से मुंबई में राम मंदिर के नाम से एक स्टेशन बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें, दुनिया में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में इसका नाम चर्चा हो रहा है। राम के मंदिर, राम के नाम से स्टेशन बनाना हिंदू के लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह का बात जो है वीर सेना कर रही है। आपको बता दें, वीर सेना एक मजबूत संगठन है जो हिंदू के लिए काम कर रही है। हिंदू के जो भी हिंदू का मुद्दा है उसके लिए काम कर रही है, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना। इसका सबसे मेन जो अहम मुद्दा है वो अयोध्या में राम मंदिर बनाना है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है निरंजन पाल, उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है। बोला है, ये कहा है कि 2018 तक अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ अयोध्या में, तो हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। ऐसे में उन्होंने ये रामकथा का आयोजन बहुत बड़े स्तर में कर समाज के लिए बड़ा काम किया है। इसमें जो सबसे बड़ा बात है, आपको बता दें कि ये प्रोग्राम जो है ना, बहुत ही बड़े स्तर पे हुआ है, क्योंकि जो उसके आसपास के लोग थे, प्रेमनगर, गोरेगांव, उसके आसपास जो मलाड है, वहाँ सबसे लोग बड़ी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे। उसका एक ही कारण है, निरंजन पाल जो समाज के लिए बहुत ही एक्टिव होकर काम करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं सभी कामों में। और इसी तरह का ये जो काम है राम कथा, जिसके कथावाचक थे सरस्वती उमाकांतानंद महाराज जी, उनके मुखारबिंद से ये रामकथा कहा जाएगा। ये 10 दिन तक चलेगा और ये जो 16 से 24 जनवरी तक, 25 जनवरी को फिर लास्ट में महाप्रसाद का भी आयोजन रखा गया है वीर सेना की तरफ से। आपको बता दें, इसी तरह जो वीर सेना है वो अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहेगा और ये बहुत बड़ा काम है वीर सेना का, जो हिंदू धर्म को एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन कर रहा है। मैं ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान ऐसे ही हमेशा न्यूज आप लोगों के लिए जगह जगह जाकर और कवरेज कर लाऊंगा और आप लोगों के समक्ष रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम जी और बहुत सारे ऐसे नेता जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और अन्य दल से भी जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और वो यहाँ पर आकर महाराज जी का आशीर्वाद लेकर गए और रामकथा सुनकर यहाँ से गए और निरंजन पाल को आश्वासन देकर गए कि आप समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में आप हमेशा खड़े रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में निरंजन पाल का जो समाज में नाम है वो बहुत ही ऊपर तक बढ़ जाएगा और वो समाज का काम अच्छे से करते रहेंगे। तो ऐसे ही वो काम करते रहते हैं हमेशा समाज के लिए और इसी के लिए निरंजन पाल जी आप हमेशा चर्चा में रहते हैं।